सो भाई आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो नेक्सॉन से अपग्रेड करके कर्व पे जाना चाह रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके कर्व पे चले जाऊं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स ले लूं, गाड़ी बड़ी कर लूं, क्योंकि ये 4 मीटर प्लस में आती है तो ऑब्वियसली आपको बेटर स्पेस मिलने वाला है। व्हील बेस को एक्सटेंड करा गया है, जो बूट साइज है वो बढ़ाया गया है। अभी बेसिक थिंग तो आपको पता है, लेकिन आज अपन देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में क्या चेंज आएगा। अब मैं जो है लॉन्ग टर्म यूज़र हूँ टाटा नेक्सॉन का, पेट्रोल डीजल दोनों यूज़ करता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। फर्स्ट जनरेशन से लेके अभी तक जितनी जनरेशन आई है सबको मैं टाइम टू टाइम ड्राइव करते हुए आया हूँ, तो जो चेंजेस आए हैं मैं कंटिन्यूस देखते आया हूँ। और अभी वेरियंट जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये एक्म्प्लस एस वेरियंट है, 1.2 लीटर रेवट्रॉन टर्बो के साथ, 6 स्पीड मैनुअल के साथ ही आता है। ये सिमिलर इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन है जो आपको नेक्सॉन में देखने को मिलता है, और ये इसलिए लिया गया है क्योंकि लगभग इसी प्रकार की नीड है। स्टार्ट करते हैं भाई विजिबिलिटी से। सब लोग को जो प्रॉब्लम थी पुराने नेक्सॉन में वो ए पिलर की, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ भी मिलेगी। थोड़े से थिक पिलर्स हैं इसमें भी, और जो विजिबिलिटी भी है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बहुत माइनर डिफरेंस है। जो फ्रंट का विंडशील्ड है इसमें मेरे को थोड़ा सा कर्व फील होता है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे को नहीं लग रहा है। इवन जो डैशबोर्ड है वो भी पूरा आपको नेक्सॉन जैसा ही फील होता है, कुछ ऐसा मेजर चेंजेस नहीं लगेंगे। बाकी अगर बात करी रियल वर्ल्ड में बोनट विजिबिलिटी की, तो आपको एसयूवी वाला फील आएगा। दोनों बोनट्स के जो कॉर्नर है वो थोड़े से उठे हुए हैं, तो आपको एसयूवी वाला फील इसमें आएगा। जो विजिबिलिटी है मिरर्स की वो भी काफ़ी अच्छी है, ORVM के साइजेस अच्छे हैं, IRVM के साइजेस अच्छे हैं, तो विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब एक चीज़ और है कि नेक्सॉन से जब आप कर्व पे आओगे तो आप सोचोगे कि यार मेरे को डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गाड़ी का साइज़ बड़ा है, पार्किंग में दिक्कत होगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस होगी क्या? तो हाँ भाई थोड़ी सी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली साइज़ बड़ा है और जो पीछे का ग्लास एरिया है वो आपको छोटा मिलता है थोड़ा सा, पर डाउन साइड जाता है क्योंकि कूपे डिज़ाइन है, तो वैसी विजिबिलिटी आपको मिरर्स वगैरह पे नहीं आएगी कंपेयर टू नेक्सॉन। लेकिन इतने सारे फीचर्स अब दे दिए भाई कर्व में, आपको कोई ऐसी डे टू डे लाइफ में दिक्कत नहीं होने वाली। बेसिक वेरिएंट पे आप लेंगे तो पार्किंग सेंसर तो आपको मिलेगा ही, आप उससे जज कर सकते हैं। और जो ORVM से वो बिल्कुल एंड पॉइंट तक दिखाते हैं, जहाँ पे आप रिबूट एंड होता है वहाँ तक आपको जो है दिखाते हैं पूरी विजिबिलिटी, तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं नेक्सॉन के बाद कर ले लूँगा पार्किंग में प्रॉब्लम जाएगी, तो ऑन पेपर डायमेंशन देख लीजिए आपकी गाड़ी आ जाएगी कि नहीं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब गाड़ी के नेचर की बात करूँ तो देखो भाई बॉडी साइज बड़ा है और स्पेशली बूट साइज में गाड़ी एक्सटेंड हुई है, तो वो आपको फील होगा। स्पेशली जब आप टर्न करेंगे तो वो आपको फील होगा, जो उसका पीछे का एरिया है वो थोड़ा सा वेट हेफ्टी आपको फील होगा, थोड़ा सा बॉडी रोल आपको मिलता है, तो वो आपको फील जरूर होने वाला है ड्राइव करते वक्त। कंपेयर टू नेक्सॉन वो जो आप शार्प कट ले लेते हैं सडनली, वो उसमें आप लेंगे तो आपको उसका वेट फील होगा। अब उसका एक और रीज़न है, इसी से कनेक्टेड थिंग है, वो है भाई सस्पेंशन। सस्पेंशन कंपेयर टू नेक्सॉन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर दिए। नेक्सॉन में ऐसा है कि पीछे जो है थोड़ा सा स्टिफर रखा गया है, फिर भी सेगमेंट में सबसे कम्फर्ट है। अब यहाँ पर उससे भी सॉफ्ट कर दिया गया है, तो बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन है रियर में, और ये आपको हेल्प तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप थोड़े से ऐसे बंदे जो थोड़ा फन करना चाहते हो कार्स के साथ, तो वो थोड़ा सा इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट है, तो वो आपको कंट्रोल नहीं मिल पाता है जो आपको नेक्सॉन में मिलता है। तो इसी से कनेक्टेड अपना एक और बेनिफिट आ जाता है कि आपको राइड्स जर्नीज लॉन्ग जर्नीज है बैटर मिलेगी नेक्सॉन से। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर रियर में बैठने वाला कोई बंदा हाइट जो है आपकी 5-10 से ज़्यादा नहीं हो तो आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, क्योंकि गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा है तो हेडरूम ऑलमोस्ट गॉन है। मेरी अराउंड 5'10" के आसपास हाइट में बैठता हूँ तो मेरा जो है पूरा हेड टच हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं हुई। थाई सपोर्ट वगैरह सब बढ़िया है, इवन जो विंडो लाइन से वो भी नेक्सॉन जैसी है, पीछे आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाती है। इंजन से रिलेटेड एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि भाई डीजल में DC आने लगा। आपको पता होगा मैं मैक्सिमम टाइम डीजल प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे थोड़े सा लॉन्ग जर्नी रहती है, तो डीजल में भाई DC आ गया है, तो ऑटोमेटिक वाले बंदे जो भाई नहीं ले पा रहे थे डीजल में ऑटोमेटिक, तो एक अच्छे ट्रांसमिशन के साथ ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक के साथ आप उसको ले पाएंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर आप जो है हाइपेरियन लेना चाहते हैं तो वो अभी इतना टेस्ट नहीं हुआ है, और मैंने तो ड्राइव नहीं किया, लेकिन अभी तक जितने भी रिव्यूज़ वगैरह मैंने चेकआउट करे हैं तो उसमें तो भाई इतना ज़्यादा कोई ऐसा पावर नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, ये आपको बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से लग सकता है, थोड़ा बहुत पैसा आप सेव कर सकते हैं। बाकी हाइपेरियन आज से 6 महीने साल भर बाद आपको जब इसकी मार्केट डिटेल आएगी
तो आप उसको चूज कर सकते हैं, हो सका है बहुत ही अच्छा इंजन हो टाटा का। अब जिनको भाई पावर की नीड है तो इस इंजन पर देखो उतना पावर नहीं है, आपको टर्बोचार्ज इंजन है, मैंने आपको बहुत टाइम बार बता चुका हूँ नेक्सॉन में कि लैग है भाई, लैग है स्टार्टिंग में लैग है, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सही 60 RPM पर जब वो आ जाती है तो आप अच्छा खासा पुश भी फील करते हैं। तब ये है कि आपको प्रॉपर ड्राइविंग मोड्स को यूज़ करना है, इस गाड़ी से पावर निकालना है तभी आपको अच्छा पावर मिलेगा। अगर आप सिटी मोड पे ड्राइव करते रहेंगे हर सिचुएशन पे तो आप उसको ना पावर निकाल पाएंगे ना माइलेज निकाल पाएंगे। अब माइलेज की बात करते हैं भाई, तो हमने देखो अभी जितनी भी गाड़ी चलाई है लगभग 358 का रन मेरा दिखा रहा है, इसमें हमने जो अलग अलग टाइप का माइलेज देखा है क्योंकि डिफरेंट लोग ड्राइव कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमने जो मैक्सिमम निकालने की जब कोशिश करी है कितना आ सकता है तो 18.5 के आसपास जो है आ गया था माइलेज इसका। और ये गाड़ी की अभी सर्विस नहीं हुई है, ये भाई सबको पता है कि फर्स्ट सर्विस के बाद आपको 2 से 3 का माइलेज अपग्रेड मिलता है, और नहीं भी मिलता है तो थोड़ी सी स्मूथनेस डाउन हो जाती है। तो अभी इसका इंजन ऑयल तो चेंज हुआ नहीं है क्योंकि इसका 15,000 पे सर्विस होती है फर्स्ट, तब तक जो है और बेटर माइलेज आपको बाद में मिल सकता है। लेकिन यही है, आप जो है ड्राइविंग मोड्स का यूज़ करिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, तो आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत बेटर माइलेज निकाल सकते हैं इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। अब एक ऐसा बेनिफिट है, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करें तो आपको कार भी लेना पड़ेगा, वो है भाई बूट स्पेस। 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है और बहुत इजी बूट है, पूरा ऊपर तक चले जाता है और पूरे को आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर जा रहा है जैसा आपने दूसरे व्हीकल्स में देखा होगा सेगमेंट में, जो कि आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगी। उसमें 350 लीटर्स का बूट स्पेस आता है तो यहाँ पे सीधा सीधा 150 लीटर बढ़ जाता है, और 350 लीटर्स को काउंट कैसे करते हैं, जो ऊपर जाता है उसको भी काउंट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको फुल साइज फ्लैट बूट मिलेगा तो जितना लगे चाहे आप कैरी कर सकते हैं। अब अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम्स पे एक डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। माइनर प्रॉब्लम्स है, कुछ मेजर ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आई है, काफ़ी फिनिश प्रोडक्ट अभी तक लग रहा है, अभी तक कोई भी ऐसे पैनल गैप्स हम लोग को फेस नहीं हुए, कोई ऐसा दिखा नहीं कि कोई ग्लिचेस आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर बढ़िया वर्क कर रहा है, एप्पल का अपडेट एंड्रॉइड तुरंत कनेक्ट हो जाता है, सारे फीचर्स बढ़िया वर्क कर रहे हैं, सस्पेंशन अच्छे वर्क कर, अभी तक ऐसा कोई भी इशू हम लोग को फेस नहीं हुआ है, लाइट्स वगैरह नाइट में अच्छे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुई है। एक चीज़ अगर आप कंपेयर करें नेक्सॉन से जो आपको अच्छी लग सकती है, मेरे को पर्सनली लगी है, वो है भाई इनका इंटीरियर का कलर, जब आप देखते हैं स्क्रीन वगैरह पे आपने देखा होगा फर्स्ट इमेज तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा था, लेकिन रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो ये जो भाई बरगंडी कलर है, मरून कलर है, जो भी कलर इसको बोलते हैं, ये अच्छा लगता है रियल वर्ल्ड में और आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील दिलाता है। तो यही है भाई एक छोटा सा वीडियो था शायद, तो अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगे टाटा कार से रिलेटेड, तो आप जो है चेकआउट कर लीजिए। बाय।